एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल, यानी सात दिनों की पूरी जानकारी। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर क्या बदलाव आने वाले हैं जीवन में, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या उपाय करने हैं, बहुत सारी खास जानकारियाँ सात दिनों के बारे में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीज त्योहारों से। 26 तारीख मंगलवार को है प्रदोष व्रत, 28 तारीख गुरुवार को है पौष पड़ने व्रत, रविवार यानी 31 तारीख 31 जनवरी को है संकष्टी चतुर्थी। ये 25 से 31 के बीच तीन तीज त्योहार मिलेंगे। एक गोचर भी 28 तारीख को जो है वो होने वाला है, तो ये गोचर भी है क्या। उसके बाद चंद्रमा जो है चंद्रदेव वो अपनी चाल तो चलेंगे ही, तो क्या आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है जो है बुध ग्रह और जो है चंद्रदेव के गोचर से, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा एनालाइज करके बताने वाली हूँ। मेष से शुरू करेंगे, मीन तक जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। अभी शुरुआत करते हैं मेष से, यानी पहली राशि, क्या आपके जो है जीवन में बदलाव आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो मेष राशि के जातकों की सबसे पहले बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें घर में गोचर करेगा। इसके अलावा जो 28 जनवरी को बुधदेव का गोचर हो रहा है वो आपके लाभ और आय के 11वें घर में और शुक्र करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में गोचर करेगा। दोनों गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेंगे। बुध के गोचर से आपके भाई बहनों को लाभ मिल सकता है और आप भी कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को का शुभ फल पा सकते हैं। शुक्र के दशम भाव में गोचर से आपको कई क्षेत्रों में लाभ होगा, लेकिन अपने दुश्मनों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के दूसरे और तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर धन और साहस, कड़ी मेहनत और छोटी यात्राएं करवा सकता है। इस राशि के जातक अपने वित्तीय मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने लेन देन के मामलों को निपटाने की कोशिश करेंगे। आप अपने पास मौजूद भौतिक चीज़ों से अपने कद का आकलन कर सकते हैं। इस राशि के जातक छोटी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं और मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रियजनों से संपर्क साध सकते हैं। मध्य सप्ताह में चौथे घर में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक मामलों पर इस राशि के जातकों का ध्यान केंद्रित करेगा। इस दौरान आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ आरामदायक समय बिता सकते हैं। सप्ताह के अंत तक पांचवें घर में चंद्रमा का गोचर आपको हर स्थिति का आनंद लेने वाला और खुद को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करने वाला बना देगा। आप सामान्य से अधिक सामाजिक होंगे। इस दौरान अपने प्रिय के साथ वक्त बिता सकते हैं या अपनी किसी रुचि को पूरा कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर आप लापरवाह हो सकते हैं और इससे कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, इसीलिए जब आप कुछ नया कर रहे हो तो सावधान और सतर्क बने। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाएं अपने लव मेट को रिझाने के लिए नई और साहसिक चीजें करने की कोशिश करेंगे। आपका साथी भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आप जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार करेगा वो आपके साथ, आपकी भावनाओं को समझने में जो है सक्षम होगा और आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। यानी आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इच्छुक होंगे और आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी जो है इस सप्ताह के दौरान हल होने की भी संभावना है। विवाहित जातकों की बात की जाए तो कुछ संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है इस सप्ताह। किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने परिवार के बड़े सदस्यों से अपने मुद्दों को हल करने के लिए सलाह ले सकते हैं। ये आपके लिए एक सलाह है, यानी ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। शुभ आपके लिए क्या है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना जरूर करें इस राशि के लोग। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की, तो टॉरस वाले ध्यान से सुनिए। वृषभ राशि के जातकों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बुध आपके 10वें घर में गोचर करेगा और शुक्र इस सप्ताह के दौरान 9वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में आत्मा व्यक्तित्व के पहले घर और परिवार धनवानी के दूसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा। इस दौरान इस राशि के जातक आराम के मूड में होंगे और काम भी संतोषजनक रूप से आगे बढ़ेगा और अपने कार्य का आप अच्छा फल पाएंगे। आपके काम को पहचान और सराहना मिलेगी। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि आप मुनाफा कमा सकते हैं और आप वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं ये सलाह दूंगी कि अनावश्यक बहस और झगड़ों से दूर रहें और काम को आवश्यकता से अधिक करने से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक थकान पैदा कर सकता है।
सप्ताह के मध्य में साहस, परिश्रम और भाई बहनों के तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा। यह इस राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। अपने पेशेवर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। इस दौरान आप आभूषण आदि खरीद सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन में आप रिश्तों की गर्माहट के साथ अच्छे स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं। जीवन की हर चीज का आप इस दौरान आनंद लेंगे। सप्ताह के अंत में चौथे घर में चंद्रमा के गोचर से आपके काम की प्रगति धीमी हो सकती है और इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से निवेश करने की और अपने खर्च को नियंत्रित करने की आपको सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो अपच की समस्या सेहत को थोड़ा खराब कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंताजनक हो सकता है। वहीं बुध का गोचर इस सप्ताह आपके दशम भाव में होने से आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। अपने काम से अपने सहकर्मियों को आप चौंका सकते हैं। शुक्र का गोचर नवे भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा और इस दौरान धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं। बात आते हैं आपको लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। तो सप्ताह की शुरुआत के दौरान संगी के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष रूप से विपरीत लिंग के दोस्त के अगर हैं तो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी। प्यार और रोमांस हवाओं में होगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको सम्मान मिलेगा। इस सप्ताह के दौरान आपको कुछ समस्याओं और समझ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के कारण परेशानी पैदा हो सकती है, खासकर आपकी माता की ओर के रिश्तेदार की वजह से। किसी तरह के वाद विवाद या झड़प से बचने की आपको मैं सलाह दूंगी। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन सातों दिन माता संतोषी की पूजा करते रहें, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की, यानी जमनाई वालों की। तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेगा। इस सप्ताह के दौरान बुध कुंभ राशि में गोचर करेगा और शुक्र मकर राशि में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में 12वें और पहले भाव चंद्रमा का गोचर इस राशि के जातकों को तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दे सकता है। तनाव, सिरदर्द, आंखों से जुड़ी समस्या इस राशि के जातकों को परेशान कर सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों का ध्यान रखें। हालांकि पहले घर में चंद्रमा का गोचर कुछ राहत देगा और जीवन में कुछ संतुष्टि आएगी और धन भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में होगा। इस अवधि में जातक कुछ निराशा का अनुभव करेंगे। आप अपने वित्तीय मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और व्यवहारिक होने के बजाय अधिक रूढ़िवादी होंगे। बिना सोच विचार खर्च करने से इस दौरान आपको बचना होगा, नहीं तो आपके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम स्वरूप आप साहसी बनेंगे और सामान्य रूप से जीवन से खुश और संतुष्ट रहेंगे। इस राशि के जातक अपने स्वास्थ्य और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार का अनुभव भी कर सकते हैं। बुध का गोचर इस सप्ताह आपके नवम भाव में होगा, जिसके चलते भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपने आत्मविश्वास के इस दौरान अधिकता देखी जाएगी। इस राशि के जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते थे, उनकी कामना पूरी हो सकती है। वहीं आपके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा, जिससे आपके जीवन की कई परेशानियां इस सप्ताह दूर हो सकती हैं। बात करें लवर्स की और मैरिड लोगों की, तो सबसे पहले अगर मैरिड लोगों पर नजर डालें तो इस अवधि के दौरान आपको कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है और आपके परिवार के कुछ सदस्य आपकी लड़ाई और तर्क वितर्क का कारण बन सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ मिलकर खुलकर बात करने और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की आपको मैं सलाह दूंगी। वहीं लव लाइफ की तरफ बढ़ें तो प्रेम के रिश्ते में इस राशि के जातकों को व्यवहार से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका साथी आप पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन यदि आप उनको रिएक्शन नहीं देते तो स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगी। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करना है, तो बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कैंसेरियंस, आप ध्यान से सुनिए कैसा बीतेगा यह सप्ताह। चंद्रमा इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेगा। बुध अष्टम भाव में गोचर करेगा और शुक्र इस सप्ताह आपके 7वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर जातकों के लिए आनंद और खुशी लेकर आएगा। यह गोचर मित्रों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। हालांकि आप इस दौरान थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं और कुछ गलत होने पर खुद को अपमानित महसूस कर सकते हैं। एकादश भाव में चंद्रमा व्यवसाय में वेतन या मुनाफे में वृद्धि के साथ आपकी आय को लाभ पहुंचा सकता है। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ आनंदित समय बिताएंगे। सप्ताह के मध्य में 12वें और पहले घर में चंद्रमा का गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा, क्योंकि आप इस समय के दौरान तनाव और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर परेशान हो सकते हैं। हालांकि आप तनाव का सामना करने और अपने को खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको धन लाभ भी होगा। वहीं विवाह संबंधी मुद्दों के लिए समय अनुकूल है।
सप्ताह के अंत में दूसरे घर में चंद्रमा का गोचर आपके कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं ला सकता है और आपको इस दौरान निराशा और असंतोष आप महसूस कर सकते हैं। इस समय के दौरान आप सुस्त और समस्या से ग्रस्त होंगे। इस सप्ताह बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जिसके कारण आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप इस दौरान हर चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे। शुक्र का सप्तम भाव में गोचर भी मिला जुला होगा। इस गोचर के दौरान मैरिड लोगों को सावधान रहना होगा और अपनी शांति के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। बात करते हैं अब लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो सबसे पहले मैरिड लोगों की बात करें तो इस राशि के जो विवाहित जातक हैं, विवाहित जोड़े हैं, रिश्ते में कुछ दूरी का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण उनके और उनके जीवन साथी के बीच समझ और संवाद की कमी हो सकती है। एक स्वस्थ संबंध का आनंद लेने के लिए अपने साथी के साथ खुला और नियमित संचार करने की आपको मैं सलाह दूंगी। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने लव मेट के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इसके कुछ जातक इस राशि के अपने दोस्तों की मदद से अपने लव मेट को अपने दिल की बात बता सकते हैं। शुभ जो है आपके लिए उपाय क्या है, तो उपाय के तौर पर आपको हर दिन सातों दिन भगवान शिव की पूजा करनी है, छू मंत्र हो जाएंगे आपकी परेशानियां। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की, यानी लियो वालों की। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में होंगे तो कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और कार्यों की सराहना पाना चाहेंगे। इस दौरान आपको मजबूत नेटवर्किंग बनाने की सलाह दूंगी मैं। इस राशि के जातक इस दौरान सामाजिक होंगे, सोशल होंगे और अपने दोस्तों या अपने कलीग्स के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे और दूसरों की मदद भी करना चाहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी द्वादश और एकादश भाव में होगा। इस दौरान आप एकांत में रहना पसंद करेंगे और अपने अंतर मन को जानने की कोशिश करेंगे। आपको स्थितियों को समझने में इस दौरान कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि अपनी भावनाओं को इस राशि के जातक दबाएंगे। अपने खर्चों का आपको इस समय पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि खर्च में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इस दौरान आप अत्यधिक भावुक हो सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इस दौरान आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप अपने आसपास फैली ऊर्जा को इस दौरान महसूस कर सकते हैं। आपको लेकर लोगों की जो धारणा है उसको बदलने की इस दौरान आप कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैसे दिखते हैं उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। माता और स्त्रियों के साथ आपके संबंध आपके लिए इस दौरान बहुत जरूरी होंगे। इस राशि के जो है जातक जो है, इस सप्ताह बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। वहीं छठे भाव में शुक्र के गोचर से कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान आपको लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अपने खर्चों का भी ध्यान रखें। आप बात करें लवर्स की और मैरिड लोगों की, तो जो लवर्स हैं प्रेम संबंधों में उनके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। लवमेट के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और सप्ताह के साथ साथ प्रेम संबंधों की अनुकूलता भी बढ़ती जाएगी। आप दोनों मतभेदों को भूलकर नए रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोग भी सप्ताह अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी। आपका जीवन साथी आपसे खुश होगा और उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। उपाय क्या करना है, तो उपाय के तौर पर सूर्य देव को जो है आपको प्रतिदिन जल का अर्घ्य देना है, अर्पित करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं बुध देव आपके छठे और शुक्र देव आपके पांचवें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के लोग नई चीजें सीखने की ओर अग्रसर होंगे और स्वतंत्रता की भावना आप में होगी। इस दौरान आप व्यक्तिगत सुधार की ओर बढ़ेंगे और आप ज्ञान पिपासु होंगे, यानी ज्ञान पाना चाहेंगे। आप चाहे आप पढ़ रहे हो या पेशेवर हो, दोनों ही क्षेत्रों में आप जिज्ञासा से नई चीजों को सीखना चाहेंगे। चीजें कैसे काम करती हैं इसकी आपको विस्तृत समझ इस दौरान होगी। सामान्य रूप से कहें तो इस दौरान आप अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके दशम और एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपके कार्य की प्रगति बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके आर्थिक पक्ष की बात करूं तो आमदनी में वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ समय खुशहाल बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सामाजिक स्तर पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर जब द्वादश भाव में होगा तो काम में थोड़ी देरी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इसकी वजह से सलाह मैं आपको यही दूंगी कि कार्य क्षेत्र में होने वाली ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहें, साथ ही निवेश करने से भी आपको बचना होगा।
बुध ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में सप्ताह होगा, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ रिश्ते में दूरी आ सकती है। पेशेवर लोगों को करियर में सही दिशा मिलेगी। वहीं शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, यह गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। विदेश जाकर जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनको भी गुड न्यूज मिल सकता है। लवर्स की बात करें तो उन्हें सप्ताह अनुकूल परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके लव मेट को आपकी किसी बात से चोट लग सकती है, लेकिन वह आपसे सीधे बात नहीं कहेंगे। आपको सलाह यही दूंगी कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें और आपकी बातों का उन पर क्या असर होता है इसके लिए उनके हाव भाव पर नजर बनाए रखें। इस राशि के मैरिड लोगों के संबंधों में स्थिरता आएगी। आप दोनों जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देंगे। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन हरे वस्त्र इस बार जरूर पहनें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में गोचर करने वाला है। बुधदेव का गोचर 5वें घर में होगा और वहीं शुक्रदेव इस सप्ताह आपके 4थे घर में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत से अगर बात करें तो 8वें और 9वें घर में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातकों को थोड़ी परेशानी होगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेंशन, डिप्रेशन इनका सामना करना पड़ सकता है। यात्रा से और तेज ड्राइविंग करने से आपको बचना है। वहीं ये जो गोचर होगा चंद्रमा का आपके करियर में रुकावटें ला सकता है। करियर में आपकी प्रगति धीमी हो सकती है, चुनौतियां आ सकती हैं। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं बात करें मध्य सप्ताह की तो 10वें घर में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के लोगों को सकारात्मक और अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस समय के दौरान आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपके बॉस या आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपको लाभ भी हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों के लिए भी टाइम में जो है सुधार लेकर आएगा। व्यवसाय में विविधता ला सकते हैं। आप जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस दौरान जो है कर सकते हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं आपके लिए सहायक होंगे। सप्ताह के अंत में जब 11वें घर में चंद्रमा जाएगा तो वेतन में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में लाभ हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप बहुत सामाजिक रहेंगे, दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। बुधदेव का भी गोचर हो रहा है 5वें घर में, इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा जो उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, जवाब जो है वो सकारात्मक मिलेगा, हाँ में ही मिलेगा, चांसेस इसी के हैं। चतुर्थ भाव में भी शुक्र का गोचर होने वाला है, इससे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। बात करें लवर्स की, मैरिड लोगों की, तो पहले मैरिड लोगों की बात कर लेते हैं। तो विवाहित जातक इस सप्ताह के दौरान कुछ समस्याग्रस्त स्थितियों का सामना आप कर सकते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन आपके जीवन साथी के साथ उनके मन मुटाव का कारण हो सकता है। इसीलिए सलाह यही रहेगी कि जीवन साथी के साथ व्यवहार करते समय एक शांत और संयमित रवैया अपनाएं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो सप्ताह संबंधों में अनुकूलता रहेगी। आपका संगी इस सप्ताह के दौरान आप पर प्यार और स्नेह की बौछार करेगा और आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करेगा। आपको अपने प्रिय की भावनाओं के अनुसार व्यवहार करने की मैं सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को शुक्रवार के दिन उनकी जरूरत की चीजें दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेगा। बुध 4थे घर में और शुक्र जो है 3रे घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत से चलते हैं तो चंद्रदेव 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से आप अपने साथी और अपने प्रियजनों के साथ संबंधों से प्रभावित होंगे। आप उनकी और दूसरों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे और आप अपने साथी की देखभाल करना चाहेंगे। आपका साथी इस दौरान बहुत मूडी हो सकता है और आप नए लोगों से मिलने और खुलकर वार्तालाप करने की इच्छा भी महसूस कर सकते हैं। स्वतंत्रता सीखने और व्यक्तिगत विकास की इच्छा के बावजूद 9वें घर में चंद्रमा के गोचर के दौरान आप खुद के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे और आप ज्ञान अर्जित करने की चाह रखेंगे। करियर के क्षेत्र में ग्रोथ थोड़ी धीमी और सुस्त हो सकती है, सहकर्मियों से बहस हो सकती है। वहीं आप खुद को इस दौरान आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में 10वें घर में जब चंद्रमा जाएगा तो अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित आपको करवाएगा। ये आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का जो है सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में संवेदनशील हो सकते हैं। वहीं बुधदेव जब गोचर करेंगे 4थे भाव में तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। परिवार जो है आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए फैमिली की हर एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव का गोचर 3रे भाव में सप्ताह होगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और सामाजिक स्तर पर आपको अपने दोस्तों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। लवर्स की बात करें तो इस सप्ताह अपने संबंधों को लेकर आप संतुष्ट होंगे। इस सप्ताह का अधिकतर समय लवमेट के साथ पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में जाएगा। इस राशि के सिंगल लोगों को के जीवन में किसी खास जो है का आगमन हो सकता है, आपको उसका इंतजार रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में संतुलन रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको अपने जीवन साथी का
सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 6, 7, 8 और 9 घर में गोचर करने वाला है। वहीं बुध देव 3रे और शुक्रदेव 2रे भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत से बात करते हैं तो 6ठे भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इस राशि के जातक व्यवसायिक जीवन में सफलता और प्रसिद्धि पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक होगा जबकि घर पर आप खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से आप विदेशी सौदों और समझौतों से लाभ प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दौरान रोमांस बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते का आनंद लेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और आप किसी वजह से तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह यही दूंगी कि काम का अधिक दबाव न ले, यात्रा करने से बचे, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। करियर क्षेत्र में भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में नवे घर में जब चंद्रमा जाएगा तो आपके काम में कुछ चुनौतियां आएंगी। आपका काम धीमा सुस्त हो सकता है, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि बहुत मुश्किल ही हो आपको उचित लाभ मिल पाए। बुध का गोचर इस सप्ताह आपके तृतीय भाव में होगा जिसके चलते इस दौरान आप घर के लोगों से बात जो है करेंगे और समस्याओं का हल निकालेंगे। वहीं शुक्र का गोचर आपके 2रे भाव में होगा इससे वैवाहिक बंधन में इस राशि के कुछ जातक बंध सकते हैं। इस अवधि में आप जरूरी चीजें भी खरीद सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। इस सप्ताह आपका साथी हर कार्य में आपका सहयोग और समर्थन करेगा। आप इस सप्ताह के दौरान अपने साथी के साथ किसी नजदीकी स्थान की यात्रा की योजना बना सकते हैं जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें मिश्रित परिणाम मिलेंगे क्योंकि आपके संगी के साथ आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बात करते हैं उपाय की तो उपाय के तौर पर आप जो है प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होगा। बुध 2रे भाव में गोचर करेंगे और शुक्र इस सप्ताह आपके पहले घर में गोचर करेंगे। 2रे भाव में बुध के गोचर से वित्तीय मामलों में सफलता मिलेगी। नई प्रॉपर्टी खरीदना लाभदायक हो जाएगा। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखिएगा। वहीं शुक्र के प्रथम भाव में गोचर से दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अटके हुए काम इस दौरान पूरे कर सकते हैं। अब आते हैं चंद्रमा पर। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके 5वें और 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो बुद्धिमत्ता को कमजोर करेंगे। ये काम की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप इस राशि के जो जातक हैं मान प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, सुस्त रहेंगे जिसके कारण प्रगति में भी बाधा आएगी। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वित्तीय रूप से लाभदायक सौदे होने की संभावना कम है। खराब निवेश के कारण पैसा खो भी सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको ऊर्जावान और उत्साही बनाएगा ये गोचर। आप आराम से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पर जीत मिलेगी। काम को पूरा करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य में सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा और आपको विदेशी कंपनियों या विदेशों से जुड़े व्यापार से लाभ होगा। आप अपने साथी के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे और आपका ध्यान अपने साथी और अपने प्रियजनों पर रहेगा। कुल मिलाकर मन की शांति और संतोष और आनंद की अनुभूति होगी और उस दौरान आनंदित समय गुजारेंगे आप। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। पाचन संबंधी परेशानी, डायरिया, बवासीर आदि जैसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सड़क पार करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। शारीरिक जोखिम वाले खेल और गतिविधियों से भी बचना है आपको। बात करें मैरिड लोगों की तो इस सप्ताह रोमांस और आनंद रहेगा। वैवाहिक जीवन में आप अपने साथी को हर परिस्थिति में समर्थन करते हुए दिखेंगे। इस सप्ताह अपने के ससुराल वाले आपको किसी प्रकार का सरप्राइज दे सकते हैं। इस सप्ताह इस राशि के प्रेमी प्रेमिका भी प्रेम जीवन में अच्छे फल मिल पाएंगे। आप लव मेट के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। किसी भी संघर्ष या गलतफहमी से बचने के लिए अपने लव पार्टनर के साथ नियमित संचार रखने की आपको सलाह दे रही हूं मैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, शनिवार के दिन घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके पहले और शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके चतुर्थ भाव में होगा तो इस राशि के जातक घर के मामलों में रुचि लेंगे और अपने घर के लोगों को पूरा समय देंगे। घर वालों के साथ काफी सुरक्षित और अच्छा महसूस करेंगे। घर को सजाने के लिए भी अच्छा समय है। जब चंद्रमा का गोचर 5वें घर में होगा तो आप अच्छे मूड में होंगे। आप अच्छी तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। काफी सामाजिक रहेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और अपनी रुचि के काम को पूरा करने में भी समय बिता सकते हैं आप। इस राशि के जातक अपने प्रियजनों को भी समय देंगे। इस दौरान आप काफी व्यवहारिक रहेंगे। जब चंद्रमा सप्ताह के मध्य में आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा तो ये भी समय आपके लिए अच्छा है। आप सही तरीके से
और व्यवस्थित तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में आप काफी व्यवस्थित नजर आएंगे। यह समय अपने जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखने और अपने आसपास की चीजों को साफ रखने के लिए अच्छा है। इस दौरान आप दिनचर्या को और बेहतर करने के लिए योग ध्यान का सहारा लें तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर संजीदा होंगे और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। इस राशि के जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी अच्छे फल मिलेंगे। आपको कारोबार से लाभ होगा। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आप खुद को ऊर्जावान और सेहतमंद महसूस करेंगे। बुध ग्रह का गोचर इस सप्ताह आपके प्रथम भाव में होगा, जिसके चलते आप में आत्मविश्वास और ऊर्जा की जो है देखी जाएगी। खासकर कार्य क्षेत्र में इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुक्र के द्वादश भाव में गोचर से इस राशि के लोगों को विदेशी स्रोतों से लाभ हो सकता है। खर्चों का खास ध्यान रखिएगा। लव लाइफ की बात करें तो गलतफहमी के शिकार इस सप्ताह हो सकते हैं। आपको वाद विवाद की स्थिति से बचने की सलाह दूंगी। साथ ही आप अपने लव मेट के साथ जो है आप अपने संबंध को मजबूत करने के लिए आप क्वालिटी टाइम बिताएं तो अच्छा रहेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन में खुशियां आएंगी, प्यार का एहसास हवाओं में होगा और आप इसके चलते सामाजिक जीवन में भी अच्छा समय बिताएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छायादान जरूर करें, आपके लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे घर में जो है चंद्रमा का गोचर होगा। बुध ग्रह आपके 12वें घर में गोचर करेंगे और शुक्र इस सप्ताह के दौरान आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में तीसरे और चौथे घर में चंद्रमा के गोचर से जातक को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। इस राशि के जातकों को अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि रिश्तों में खटास आएगी और समझदारी की कमी होगी। रिश्तेदारों से आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है, खासकर आपकी माता पक्ष के लोगों की तरफ से। इसलिए आपको संघर्ष और जो है से बचने की सलाह दी जाती है। लड़ाई झगड़ा ना करें। शोक, भय और संदेह की भावना इस दौरान प्रबल रहने वाली है। आपको शांत रखने की इस दौरान पूरी खुद को कोशिश करनी होगी। मानसिक संतुलन मत खो दीजिएगा। मध्य सप्ताह में पंचम भाव में जब चंद्रमा का गोचर आपकी होगा तो आपकी बुद्धिमत्ता को ये प्रभावित करेगा। आपके काम की गुणवत्ता खराब हो सकती है और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की कमी आ सकती है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में इस दौरान दिक्कतें आएंगी। यात्रा करने में के इस दौरान योग हैं आपके, लेकिन आप अपने उद्देश्य को पूरा करने में बाधाओं का सामना करेंगे। सप्ताह के अंत में छठे घर में चंद्रमा के गोचर से चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे और आपके काम में तीव्रता और सामंजस्य होगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आपको वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छी पहचान और इनाम मिलेगा। आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए भी अच्छा समय है। आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता आपको नहीं होगी। बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वहीं शुक्र के एकादश भाव में गोचर के चलते समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में इस दौरान वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो उनके रिश्ते में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और अपने लवमेट को रिझाने के लिए आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। आप दोनों के बीच यदि कोई मतभेद था तो वो भी सप्ताह दूर हो सकता है। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ये सप्ताह यानी 25 से 31 के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। इसके अलावा जिन लोगों का इस सप्ताह जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई आपके जीवन में दुविधा है तो आप हमसे warta.associate.com पे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।